हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर और मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज का जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी सीरीज से रिलेटेड है, यानी कि 9 मंथ के सिम्टम्स, आप में क्या बदलाव है और गर्भ में पल रहे शिशु में क्या क्या विकास हुए हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की जानकारी की तो प्लीज़ शेयर करें उसको। तो 9 मंथ शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपका जो है बहुत दिन नज़दीक है, जब वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने गोद में एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बेबी को अपने गोद में बिठाए रहेंगे। तो गाइस अब जो है दिन बहुत नज़दीक आ रहा है, बहुत सारी मैं जानती हूँ कि बातें चल रही होंगी। अब आपके मन में बहुत डर लग रहा होगा कि डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सीजेरियन होगी, अगर नॉर्मल होगी तो कितना पेन होगा, सीजेरियन होगा तो कितना पेन होगा, मतलब ये सब जितनी भी बातें अभी पूरे दिमाग में भरी होंगी। सजेशन लेंगी आप दूसरों से, पूछेंगे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब जो है ये चलता रहेगा आपका, जब तक कि आपके हाथ में एक छोटा सा बाबू नहीं आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले 9वें महीने के क्या क्या लक्षण आप में दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण दिखेगा वो ये है कि स्तनों से रिसाव होना, यानी कि ब्रेस्ट से कोलोस्ट्रॉम का निकलना इस मंथ में ज़्यादा दिखेगा, यानी कि इस मंथ में कोलोस्ट्रॉम ब्रेस्ट से ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि अब जो है बेबी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वो अपने पोजीशन में आ चुका है, तो अब उसके लिए जो है खाने का इंतज़ाम होगा। तो इसलिए इस मंथ में स्तनों में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा दिखेंगे। सेकेंड चीज़ इस मंथ में यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, यानी यूरिन पास करने आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रोणि पर दबाव पड़ रहा है, जिससे कि ब्लैडर पर भी दबाव पड़ रहा है और बार बार यूरिन पास करने आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो ये यूरिन का एक सिम्टम्स दिखेगा, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। आप मार्केट जाएंगी या घर पे रहेंगी या कहीं भी जाएंगी तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ चलता रहेगा। थर्ड जो सिम्टम्स हैं, ब्रैक्सटन हिक्स, यानी कि एब्डोमिनल एरिया में पेट के निचली सतह में आपको दर्द होगा। ये दर्द डिलीवरी के दर्द जितना तो दर्द नहीं होगा, मतलब उसकी बराबरी का दर्द नहीं होगा, बट ये पेनफुल होगा और जो इस मंथ में है ज़्यादा आपको ये ब्रैक्सटन हिक्स महसूस होगा। तो अगर ये पेन आपको 1 घंटा में 4 बार से ज़्यादा दिख रहा है, 4 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब जो बेबी है आपके पेट में अपने पोजीशन में आ चुका है, यानी कि उसका जो सर है वो नीचे और पैर ऊपर रहेगा, तो वो अपने पोजीशन में आ चुका है, श्रोणि में जो है वो अपने जगह बना रहा है, जिससे कि अब आपके सीने में जलन या सांस फूलने में तकलीफ़ आपको नहीं दिखेगी। बहुत सी महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि डिलीवरी के कुछ हफ्तों पहले या कुछ दिन पहले उनका जो है पतला मल त्याग होने लगता है, बार बार बाथरूम मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स है कि बता रहे हैं कि अब आपका डिलीवरी का जो डेट है वो पास आ रहा है। इस मंथ में बेबी थोड़ा कम एक्टिव होगा, क्योंकि पेट में वो पूरी तरह से अब क्योंकि फुली डेवलप्ड बेबी हो चुका है, पूरी तरह से जितना भी जगह था उसने घेर के रखा है, तो अब जो है उसके हाथ हिलाने के लिए, पैर हिलाने के लिए जगह कम है, इसलिए वो एक्टिव कम रहेगा, लेकिन एक्टिव रहेगा। तो एक्टिव कम अगर रह रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ महिलाओं में इस मंथ में डिलीवरी डेट से कुछ हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले ब्लीडिंग होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो इसमें एक नॉर्मल ये चीज़ है। बट अगर ये येलो कलर का डिस्चार्ज के साथ हो रहा है और बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास आप एक बार जाएँ। तो ये हुआ सिम्टम्स के क्या क्या लक्षण आप में दिख रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव आपके बॉडी में आए हैं, क्या क्या बदलाव आप में आए हैं। तो नॉर्मली जो लेडीज़ हैं वो प्रेगनेंसी में 11 से 16 केजी तक का वेट गेन करती हैं। तो पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना, चलने में प्रॉब्लम होना, झुकने में प्रॉब्लम होना, यानी झुकने में कष्ट होना,
झुकने में इसलिए तकलीफ़ होगी क्योंकि पेट बड़ा हो चुका है। तो किसी भी मोटे आदमी को भी अब अगर आप देखोगे तो उसको झुकने में, बैठने में ठीक से, तो उस पोजीशन में किसी भी काम को करने में उसको तकलीफ़ होती है। तो ये एक आप में बदलाव दिखेगा। श्रोणि भाग का जो है, अब डिलीवरी होगा तो श्रोणि भाग का खुलना, यानी कि जहाँ से डिलीवरी होता है, जहाँ से बेबी बर्थ होता है, तो उस भाग का अब खुलना, बेबी बर्थ के लिए उस जगह को तैयार करना, तो ये सब बॉडी चेंजेस होंगे। मेंटली में आपको डर लगेगा, कभी खुशी होगी, कभी एक्साइटेड होंगी आप, कभी डर लगेगा, कभी आप तनाव में आएंगी, तो ये सब मेंटली चेंजेस आप में होते रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि गर्भ में पल रहे बेबी में क्या क्या विकास हुए हैं। तो इस मंथ जो मैं बता रही हूँ कि एक स्वस्थ बेबी जो होता है 19 इंच लंबा और लगभग कम से कम 2.5 किलो का एक बेबी होता है, तो इस मंथ में उसके हाथ, पैर और नाखून सारे आ जाएंगे। तो 9 मंथ में जो शिशु के ऊपर बाल होते हैं, जो कि भ्रूण को ढके रहता है, वो बाल हटना शुरू हो जाएगा। त्वचा गुलाबी और बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आएगी आपको उसकी। तो इस मंथ में मैंने जो जो बताया क्या कि उसके हाथ, पैर, बाल, नाखून आ जाएंगे, त्वचा गुलाबी और चिकनी हो जाएगी, 19 इंच लंबा और एक हेल्दी बेबी जो होती है 2.5 किलो वेट की उतना हो जाएगा। तो ये सारे जो है आप में लक्षण दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे, शिशु में परिवर्तन आएगा। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि डाइट अपना अच्छा रखें। अगर आप 9 मंथ में एक्सरसाइज कर रही हैं तो बिल्कुल आपको सतर्क रहना है। अपने घर में किसी को बुला लें, हमेशा घर में कोई ना कोई होना ही चाहिए। किसी भी मेंबर के सामने अगर आप कुछ कर रही हैं तो घर का मेंबर रहना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे आप कहीं टहलने जा रही हैं, चाहे कोई काम कर रही हैं, तो घर का मेंबर एक होना साथ में ज़रूरी है आपके। तो ये सारी जो 9 मंथ में सतर्कता है, चेंजेस हैं, लक्षण हैं, ये सारे कुछ इस 9 मंथ में आपको दिखाई देंगे। और अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जबकि आपके हाथ में एक छोटा सा बेबी आएगा, तो एक्साइटेड हो जाइए, उसकी तैयारियां कीजिए, उसके लिए बैग पैक कीजिए, हॉस्पिटल बैग पैक कीजिए। अगर आपको जानना है कि हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या पैक करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, कि अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मुझे क्या क्या बैग में रखना है, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो ये 9 मंथ का मेरा ये वीडियो सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब जिन जिन माओं को जैसे जैसे देखना है 8वें महीने में क्या चेंजेस हैं, 7वें महीने में क्या चेंजेस हैं, तो वो देख सकती हैं। तो अब अपने बेबी के लिए ख़रीदारी शुरू कर दीजिए, घर सजाना शुरू कर दीजिए, अपने लिए जो है कुछ अब टाइम जो है, जितना भी आपने बचा के रखा था वो टाइम अब आपका जाने वाला है बेबी के ही साथ। तो बिल्कुल, और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और हमेशा हमेशा आप लोग खुश रहो। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।